राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे द्वारा नए वर्ष के प्रकाशित कैलेंडर में आराध्य देव विठल के चेहरे पर विचित्र बकरे का चित्र छपने से भाजयुमो पूर्व नागपुर ने पुलिस आयुक्त से पेठे के खिलाफ मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है, जिसके बाद गलती पता चलने पर दुनेश्वर पेठे ने अपना माफीनामा जाहिर किया है। लेकिन ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मनसे जिला अध्यक्ष ने इस मामले को गंभीर बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। इस कैलेंडर के विषय में राजकारण करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन ये जो प्रिंटेक मिस्टेक जरूर है, हम इस मिस्टेक के वजह से जिसकी भी जिन जिन की भावनाएं को दुख पहुंचा है, ऐसे वारकरी पंथ हो या सभी समाज के बंधु हो, उन लोगों की मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये गलती से बाय मिस्टेक हुआ है, इसका कोई उद्देश्य नहीं था और ये पिछले साल किया हुआ है। पिछले साल के नए साल में कैलेंडर हमने बनाए थे और वो प्रेस वालों के ध्यान में शायद नहीं आया होगा, लेकिन हमें आज ये गलती, बड़ी गलती तो है, ये आज जरूर ध्यान में आई। महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात वारकरी संप्रदाय हा मोठ्या प्रमाणात भगवान विठुरायाला मानतो। भगवान विठुरायाचा म्हणजे आपल्याला तीर्थरूप तिरुपती भगवंतानंतर आपले विठुराय हे इथले महाराष्ट्राचे तिरुपती आहेत। ज्याप्रमाणे बालाजी भगवदेवाला आपण मानतो त्याप्रमाणे भगवान विठ्ठल आमच्यासाठी आहे। आता विठ्ठलाचं आषाढी एकादश जवळ असताना अशा प्रकारचं चित्र समोर येणं आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या मनात नेहमी हिंदूवादी भावना असतात, ते हिंदूवादी बोलतात आणि ज्या प्रकारे भगवान विठ्ठलावर ह्या प्रकारचं छायाचित्र छापून आलेलं आहे, ये स्वाभाविक है कि ऐसी कोई घटना हुई तो धार्मिक भावना, धार्मिक आहते पहुँचती हैं और इसमें उद्देश्य किसी भी प्रकार का नहीं होने के वजह से किसी ने भी इसमें राजकारण नहीं करना चाहिए। राजकारण का कोई ये है वो मुद्दा नहीं है और मैं आह्वान करता हूँ सभी से कि इसका कोई किसी भी प्रकार से राजकारण न करते हुए हुई मिस्टेक को जरा ये करके ध्यान में रखते हुए मैं सभी लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ। ऐसा है कि जो घटना हुई है उसमें तो जरूर गलती तो हुई है, वो गलती का जो कार्रवाई करना है उचित होती है वो हो सकती है तो उन्होंने करना चाहिए, लेकिन ये किसी भी उद्देश्य न रखते हुए गलती हुई है, उसके वजह से इसमें बहुत ज़्यादा तान न देते हुए इस विषय को यहीं पे राजकारण न करते हुए समाप्त कर देना चाहिए। राष्ट्रवादी पक्षाचे शहर अध्यक्ष व माजी नगरसेवकाकडून असं कृत्य होणे हे गांभीर्यपूर्वक बाब आहे। अशा प्रकार नगरसेवक असताना आणि अशा प्रकारचं कृत्य होणं म्हणजे एक आमच्या हिंदू धर्माच्या भावना दुखावलेल्या गेलेल्या आहेत, आमच्या देवाचा अपमान झालेला आहे। मी आपल्या या प्रसिद्ध माध्यमाद्वारे अशा नगरसेवकाचा त्यांनी पक्षाच्या शहर अध्यक्षाचा राजीनामा द्यावा। राष्ट्रवादी खरंच हिंदुत्वाच्या भूमिकेवर असेल तर त्याने अशा नेत्याला लात मारून पक्षातून हाकलून द्यावे अशी मागणी करतो।